दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। हमारा भारतीय रेलवे समय समय पर कुछ ना कुछ बदलाव करता रहता है। इन बदलावों का असर यात्रियों पर हमेशा पड़ता है, कभी अच्छा असर होता है तो कभी बुरा असर होता है। अब जो बदलाव होने जा रहे हैं इनका क्या असर पड़ेगा रेल यात्रियों पर, वो आज हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। और आप लोग अपना पॉइंट भी बता सकते हैं कमेंट में कि रेलवे ये जो कर रहा है ये ठीक है या गलत है आपके हिसाब से, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिलहाल दोस्तों अगर आप द रेल यात्री पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर किसी को दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जाना है तो उन लोगों के लिए कुछ ही ट्रेन सबसे बेस्ट ट्रेन कहलाती हैं। उसमें से एक सबसे अच्छी ट्रेन उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस रहती है, जिसका नंबर होता है 12445। मैंने इस ट्रेन के स्लीपर और जनरल क्लास में इतनी भीड़ देखी है कि जितनी सीट होती हैं उससे दुगने लोग ट्रेन के स्लीपर और जनरल क्लास में यात्रा करते हुए नज़र आ जाते हैं। जब ये ट्रेन एलएचबी हुई थी तो स्लीपर के कुछ कोचेस कम कर दिए गए थे। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए बता देते हैं, ट्रेन नंबर 12445 उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती है। इस ट्रेन में बदलाव होने जा रहे हैं। 19 सितंबर 2023 से इस ट्रेन में क्या बदलाव हो रहा है वो आप लोग सबसे पहले समझ लो। इस ट्रेन में स्लीपर के 7 कोचेस अभी लगे हुए हैं, लेकिन 19 सितंबर 2023 से उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में स्लीपर के केवल 2 कोच लग जाएंगे, बाकी के कोच हटा दिए जाएंगे और उनकी जगह पर 3rd AC इकोनॉमी क्लास के कोचेस को जोड़ा जाएगा। और साथ में सिर्फ स्लीपर को ही नहीं हटाया गया है, जनरल के कोचेस को भी हटाया गया है। अभी जनरल के 4 कोच लगे हुए हैं, लेकिन 19 सितंबर 2023 से इस ट्रेन में जनरल के केवल 3 कोच लगे हुए रहेंगे, एक जनरल का भी कोच कम किया जा रहा है। इन सभी जनरल और स्लीपर के कोचेस को कम करने पर नए कोचेस ऐड किए जा रहे हैं, जो 3rd AC इकोनॉमी क्लास के कोचेस होंगे, जिनका किराया स्लीपर से दुगना ही रहेगा। और इस रूट पर चलने वाली नई दिल्ली से कटरा श्री माता वैष्णो देवी तक चलने वाली ट्रेनों में से इस ट्रेन में अब लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। बहुत से लोग पूछ रहे थे जब 4 महीने पहले ट्रेन में टिकट बुक किए जा रहे हैं तो सीटें कम क्यों दिखा रहा है। दरअसल भारतीय रेलवे ने 4 महीने पहले ही प्लान कर लिया था कि इस ट्रेन में से अब स्लीपर और जनरल के कोचेस को कम कर दिया जाएगा। एक तरफ 3rd AC इकोनॉमी क्लास के कोचेस मिल जाएंगे जिसमें लोग यात्रा तो कर पाएंगे लेकिन उसका किराया बहुत ज़्यादा होगा। फिलहाल दोस्तों कुछ दिनों तक स्लीपर की वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को अपग्रेड मिल सकता है, लेकिन इसको ARP में पहले से ही अपडेट कर दिया गया था तो शायद अपग्रेड ना मिले। फ्री में आपको स्लीपर के चार्जेस पे AC में यात्रा करने का जो सिस्टम होता था वो शायद ना मिले। क्योंकि इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो होता है 4 महीने पहले का, उसमें 3rd AC इकोनॉमी क्लास की रिजर्वेशन पहले से ही शुरू हो गई थी। तो शायद जो फ्री वाला अपग्रेड होता था चार्टिंग के टाइम पर बड़े पैमाने पे, वो नहीं होगा। एक आधा अपग्रेड आपको देखने को ज़रूर मिल जाएगा। फिलहाल ये एक छोटा सा अपडेट था, मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। स्लीपर क्लास के कोचेस इतने भी कम नहीं करने चाहिए थे जितने कम हो रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।